हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। टुडे डिस्कस अबाउट टीपीजीटी बायोलॉजी साल्ट पेपर 2004। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इन मेल पॉलीमोन अपेंडिक्स मस्कुलाइन इज प्रेजेंट ऑन द। तो बता रहा है कि इन पॉलीमोन में अपेंडिक्स मस्कुलिना प्रेजेंट ऑन द कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड पीलियोपोड पर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, द एब्डोमेन बेयर सिक्स पेयर ऑफ द एब्डोमेन अपेंडिज पेयर इन द ईच सेगमेंट। द फर्स्ट फाइव पेयर आर द स्विमिंग पीलियोपोड्स। द फर्स्ट पेयर आर द स्विमिंग पीलियोपोड यूज टू पैडल्स वाइल द सिक्स्थ पेयर यूज आर द आइरोपोड। द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडिज इन द थ्री ईयर अपेंडिक्स इंटरनल प्रेजेंट सेकेंड पीलियोपोड इन देयर इन द एडिशनल रॉड लाइक एंड सीटी बीइंग द प्रोसेस अपेंडिक्स मस्कुलाइन लाइंग द बिटवीन अपेंडिक्स इंटरनल एंड एंडोपोडियोपोड एंडोपोलिट। तो यहाँ पर बता रहा है कि सेकंड जो है स्विमिंग पीलियोपोड पाए जाते हैं पेडल की तरह होते हैं, और फर्स्ट पीलियोपोड पर जो हैं फर्स्ट पेयर होते हैं वो पीलियोपोड के होते हैं और जो पेडल की तरह यूज होते हैं, और जबकि सिक्स पेयर होते हैं यूरोपोड की तरह यूज होते हैं। छः जो हैं जोड़ा वो यूरोपोड की तरह होते हैं और फर्स्ट फाइव जो होते हैं वो जो हैं यूरोपोड की तरह होते हैं। नेक्स्ट, एग ऑफ द स्टारफिश आर। तो बता रहा है स्टारफिश का जो एग है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर होगा पहला होमोलिसिथल। होमो मतलब मीडियम जो लेसिथल मतलब पीतक का, तो होमो मतलब समान होता है। तो योग इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म एज द माइक्रोलिसिथल एग। माइक्रोलिसिथल एग कंटेन द स्मॉल योग अमाउंट ऑफ योग विद्यार आउट योग स्टारफिश एम्फीऑक्सिस क्यूटेरियन मामल्स आदि में। ये जो होमोलिसिथल की स्टारफिश में होता है, एम्फियन भी होता है, क्यूटेरियन आदि में होता है। तो यहाँ पर टीलोलिसिथल इज द कंसेंट्रेट टुवार्ड द बेटिजियल पोल न्यूक्लियस मेजू पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द डिस्प्लेसिड टू द एनिमल पोल इन द मेजोलिसिथल एंड द माइक्रोलिसिथल एग इनवर्टिब्रेट ओलिगोलिसिथल आल्टो काले द माइक्रोलिसिथल। तो यहाँ पर ओलिगोलिसिथल को माइक्रोलिसिथल भी कहते हैं। ये मनुष्य के पाए जाते हैं, यूथेरिन में होता है। तो यहाँ पर दूसरे का होगा पहला। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बीच वन इज नॉट ए मैलेट। तो बता रहा है इसमें कौन सा मैलेट नहीं है। तो यहाँ पर मैलेट नहीं है फर्स्ट वाला ट्रिटिकम और पैनीसीटम एक्यूसीटम एल्यूसिन पैरासीम ये पैनी क्यूम ये सारे जो हैं मैलेट हैं, और ये ट्रिटिकम मतलब गेहूँ नहीं है मैलेट। यहाँ पर चावल भी और जाए ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का है, बाजरा का है, बेनिसिटम और सोलेनम ज्वार का है, सॉर्गम मलार्ज जिया मेज है मक्का का। ये सारे जो हैं विज्ञानी नाम दिए हैं। इंजाइमेटिक इंटरकर्वजन ऑफ द स्टार्च शुगर। इंटरकर्वजन ऑफ द स्टार्च शुगर बाज थॉट फॉर थ्रू फार ओपनिंग स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। बता रहा है कि जो स्टार्च का शुगर में परिवर्तन होता है तो वो किसकी एंजाइम की उपस्थिति होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो एंजाइम स्टोमेटा को मतलब खोजने की ओपनिंग स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ किस एंजाइम की मतलब खोज के कारण ये सारी प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज जो स्टार्च है स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बना हो जाएगा फास्फोरिलेज फास्फोरिल क्लासिकल स्टार्च हाइड्रोलिसिस प्रोसेस दिस थ्योरी रेसियर 1900
1923 द ग्वाड सेल कंटेन द स्टार्च एट लो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेट पीएच ऑफ द ग्वाड सेल्स रेंज बता रहे कि जो ग्वाड सेल्स हैं उसमें पाया जाता है स्टार्च बहुत कम मात्रा में और इसमें जो कम मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गैस की तो यहाँ पर पीएच उसका ग्वाड सेल्स का बड़ा हुआ होता है स्टिमुलेट द एंजाइम फास्फोरिलेज तो यहाँ पर एंजाइम जो है उत्प्रबंध करता है फास्फोरिलेज प्रोसेस को तो फास्फोरिलेज जो है कन्वर्ट स्टार्च इनटू द ग्लूकोज तो फास्फोरिलेज जो ये प्रोसेस हो जो मॉर्निंग टाइम होती है जो तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा में उपस्थिति में होती है प्रोसेस तो इससे स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है जिससे भोजन पौधे प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर पहला होगा बाउचेरिया काजेज फायरलिएसिस आज द रिजल्ट ऑफ तो किसकी मतलब परिणाम स्वरूप ये बाउचेरिया का एक जो फैलाते हैं तो यहाँ पर किसके कारण होता है ऐसा तो यहाँ पर ब्लॉक द लिम्फ ग्लैंड तो यहाँ पर हाथी पाक हो जाता है बाउचेरिया से ब्लॉक इन द लिम्फ ग्लैंड लिम्फ ग्लैंड के मतलब अवरुद्ध होने पर बाउचेरिया फायरलिएसिस वार्म अडल्ट लाइव इन द ह्यूमन लिम्फ ह्यूमन के मतलब उसमें रहता है अस्थि मज्जा में रहता है फ्लिया में लिम्फ में तो बेसल लिम्फ बेसल में रहता है देयर ब्लॉक द लिम्फ ग्लैंड और ये लिम्फ ग्लैंड को ब्लॉक कर अवरुद्ध कर देता है बाय इट बेबी पोरस नेमेटोड है ये जराजीव नेमेटोड है लार्वी कॉल इट द माइक्रोफेलिया तो यहाँ पर इसके जो लार्वी होती है उसे माइक्रोफेलिया कहते हैं नेक्स्ट है हु इज द रिफरेड एज द फादर ऑफ बोटेनी तो यहाँ पर फादर ऑफ बोटेनी को किसे कहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वन थियोफ्रेटस फादर ऑफ बोटेनी और जो है वो उसे कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी वो हैं एंटोनी वो उसे क्या कहते हैं छः नंबर का है जो बता रहा है कि हु इज रिफरेड द फादर ऑफ बॉटनी तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अगर पूछे तो फादर ऑफ जूलॉजी या बॉटनी वो फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी तो यहाँ पर हो जाएगा अरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बॉटनी वो फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल टोटल फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के नेक्स्ट है ओलिगोपाइरेन स्पर्म आज फाउंड इन तो ओलिगोपाइरेन स्पर्म किसमें पाया जाता है तो यहाँ पर सातवें नंबर का है सात का दूसरा पायला में ओलिगोपाइरेन एक जो है स्पर्म पाया जाता है द टेटिज पायला प्रोडक्ट टू काइंड ऑफ द स्पर्म यूपरेन एंड ओलिगोपरेन तो यहाँ पर दो तरीके स्पेरेन जो हैं स्पर्म बनाए जाते हैं पायला में पाए जाते हैं एक यूपरेन टाइप और ओलिगोपाइरेन टाइप तो यहाँ पर ओलिगोपाइरेन टाइप स्पर्म आर द लार्ज स्पंडल लाइक दे आर नॉन मोटिबल मतलब आचलिए होते हैं स्पंडल लाइक होते हैं धातुनुमा तो यहाँ पर वो तंतुनुमा लंबे तंतुनुमा और स्पर्म बड़े होते हैं इन कैपिल ऑफ द फर्टिलाइजर वह मोटिल होते हैं ओलिगोपाइरेन द स्पर्म आर द लाइकली दे आर नॉन मोटिबल इन कैपिल ऑफ द फर्टिलाइजर वह तो यहाँ पर इस तरीके के जो होते हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं पायला में वो वहाँ स्पर्म सिफिली इन द लाइकेन आर द एनालॉगस टू तो सिफिली क्या है तो सिफिली इन द लाइकेन में जो क्या है एनालॉगस असमानता क्या है तो यहाँ पर होगा पहला स्टोमेटा सिपीटी एक स्टोमेटा है लाइकेन में सिफिली लाइकेन आर द एनालॉगस स्टोमेटा पैलिसेड टिशू मीजोफाइल इज द डिफरेंटिएट इनटू द पैलिसिड एंड स्पंजो स्पंजी द पैलिसिड टिशू
इनक्लोज ए नंबर ऑफ नैरो इंटरसेलुलर स्पेसिमेंस। नेक्स्ट इन पाइला रेडुला कंटेन टीथ अरेंज्ड ट्रांसवर्स राव ईच राव कंटेन। तो बता रहा है कि रेडुला जो पाइला का लार्वा है मतलब दांत मज्जा में एक दांत की व्यवस्था होती है, दांत पाए जाते हैं एक व्यवस्थित होते हैं क्रम में। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स रो होता है जो, तो उसमें मतलब प्रत्येक रो में कितने पाए जाते हैं दांत। तो यहाँ पर पहला वो सेवंथ रो, एक रो में सेवंथ दांत पाए जाते हैं, पहला एक पंक्ति में सेवंथ दांत पाए जाते हैं। बैनेटी बैनेट बैटेनिस्ट नेम प्लांट इज द लैंटिन सो लैटिन सो एस टू। तो यहाँ पर बैनेटिस्ट नेम जो प्लांट का है बता रहे हैं लैटिन, लैटिन भाषा में इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर चौथा होगा एक्चिव इंटरनल इन्फॉर्मेटली इन्फॉर्मेटी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि का समानता, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि की समानता उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक समान रूपता की उपलब्धि। चौथा यहाँ पर उपलब्धि मतलब ये बॉटनिस्ट नेम आर द डेरिवेट फिल्म इधर लैटिन लैंगेज आर द लैटिनाइज्ड द लैंगेज इज द देयर फॉर लिटिल डेंजर ऑफ द नेम बीइंग टेम्बर फ्रॉम द स्पेलिंग इज चीफ द इंटरनेशनल यूनिफॉर्म। इसकी जो स्पेलिंग है वो इंटरनेशनल एक समान है, अंतर्राष्ट्रीय एक रूपी है तो एक समान है स्पेलिंग मतलब इसकी है जो अंतर्राष्ट्रीय में जो वर्ड पाए जाते हैं उनके समान है। ग्यारह है नोबेल प्राइज वाज द गिवन फॉर डिस्कवर्ड ओपन मॉडल टू। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन से मॉडल पर मतलब होने पर नोबेल प्राइज पर दिया जाता है किसके लिए। तो यहाँ पर तीसरा होगा जोकोब एंड मोनोक, इनको दोनों को 1961 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला गया था खोज में, ओपन मॉडल की खोज में इनके लिए जैकब एंड मोनोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा 11 का नेक्स्ट द ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज ग्राम वाइज। तो यहाँ पर डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है क्रोमोसोम की उसको क्या कहते हैं, गुणसूत्रों की द्विरूपीय प्रदर्शनता इसे क्या कहते हैं क्रोमोसोम की। तो यहाँ पर कैरियोटाइप दूसरा नंबर। जब डायग्रामेटिक तो पोजीशन आती है जो प्रदर्शित करते हैं क्रोमोसोम तो उसे कैरियोटाइप कहते हैं दूसरा नंबर, कैरियोटाइप चौथा। इन क्रोमोसोम कंप्लीट द ऑफ द ऑनगोसियम प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोमोसोम। ऑडियोग्राम इज द कैरियोटाइप कंसिस्ट ऑफ द फोटोग्राफ और डायग्राम ऑफ द मेटाफेसिक क्रोमोसोम। All the six tissue barrier are present in which placenta। तो बता रहा है यहाँ पर वो जो हैं सभी छः ऊतक हैं जो, तो वो बाहक हैं किसके, किस में पाए जाते हैं प्लेसेंटा में। तो वो सभी ऊतक बाहक जो हैं किस में किसके प्लेसेंटा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा होगा हीमोकोरियल वो इपिथेलियल कोरियल प्लेसेंटा, इपिथेलियो कोरियल जो हैं उसमें ये सभी चीज़ें विशेषता पाई जाती है। एसिड रेन ड्यू टू, तो यहाँ पर एसिड रेन किसके कारण होती है। तो यहाँ पर होगा कार्बन डाई सल्फर डाई पोल्यूशन, पहला ही होगा सल्फर डाई पोल्यूशन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, यहाँ पर एसिड रेन की बात हो रहा है पहला ही। इफेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटी अमीबा हिस्टोरिट का इज, तो यहाँ पर आएगा सिस्टिक, यहाँ पर आएगा टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट जो एंटी अमीबा हिस्टोरिका है जो इनकी टेट्रा वो
टेट्रा इन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है इन्फेक्टिव होती है हिस्टेज एंटीवास्टोलिका मिनूटा फॉर्म द सिस्ट इन सिस्ट एमेचर सिस्ट इज कॉल्ड द क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट इन द हैज फोर न्यूक्लियाई टू क्रोमेटिड बॉडीज। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसमें। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द इन वन ऑफ क्रेब्स साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो हम बता रहे हैं कि कितने वाटर के जो पानी के अणु होते हैं वो क्रेब्स साइकिल में कितने होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा बन बन जो है इसके अणु होते हैं क्रेब्स साइकिल चक्कर में, जो क्रेब्स साइकिल जो है एटीपी से मॉलिक्यूल बनते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल 36 बनते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द क्रेब्स साइकिल थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन वन द प्रोसेस टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और अपचयन होती है। यहाँ पर ये जो है समीकरण भी दी गई है। नेक्स्ट है मोनो मोनोकॉन्डिलिक स्क्विलिन फाउंड, तो मोनोकॉन्डिलिक जो है इसमें खपड़ी पाई जाती है कपाल जो खपड़ी होती है इसे कहते हैं, तो यहाँ पर मोनो पहले में पाई जाती है राना टिग्रीना में मोनो मोनो मोनोकॉन्डिलिक स्किल राना टिग्रीना में मेंढक के नाम है ये। सोइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाई, तो सोइल जो है सैलिनिटी मतलब अम्लता की इसके बारे में नापी जाती है, किसके द्वारा नापी जाती है, तो यहाँ पर चौथे के द्वारा कंडक्टिविटी मीटर चालकत्व मीटर में। यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रोटोमीटर मेजर द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और जो है प्रोटोमीटर इज द अपर्चर अपेरेंट द फॉर नॉलेज रिलेटिव द साइज ऑफ स्टोमेटा, तो यहाँ पर ये सारी चीज एक्सप्लेनेशन दिया। मोट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन द हिरिडेरिया इज फिल्ड विद, तो हिरिडेरिया की जो खाली स्पेस वो होती है जगह खाली जगह होती है जो मतलब एक खाली कोयल की तरह बने होता है स्थान, तो उसे किससे भरी होती है, तो यहाँ पर होता है तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा बोट्रीओइडल टिशू, तो यहाँ पर जो है खाली जगह में भरे होते हैं बोट्रीओइडल टिशू। ए टू प्रिसर्विबेसिबल सीलम सीलम आर्ट बेल डेसिनेट बॉडी एक्टिविटी थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इज जनरली ए ट्रू पेरीविसरल सोइलम और बेल डिक्सिनेट बॉडी कैविटी अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल इट इज जनरली ऑब्लिट्रेटेड एंड फिल्ड विद द करेक्टरिस्टिक्स बॉट रॉइडल टिशू, तो यहाँ पर बॉट रॉइडल टिशू से भरी होती है और ये ऑब्लिट्रेटेड आकार की होती है जनरली, ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर कैविटी जो होती है पाई जाती है, कैविटी मतलब खाली जगह है जिसे मतलब एक सील कहते हैं कोइलम जिसे खाले खाली जगह को। इन द एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज, तो एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज होता है किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा एम्ब्रियो सेक। द फंक्शनल मेजोस्पोर प्रोडक्ट द फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड द एम्ब्रियो सेक, तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट होता है तो उसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं। एम्ब्रियो सेक किसमें होता है जो है फीमेल के पार्ट डेवलप होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट डेवलप होते हैं। नेक्स्ट कंजुगेशन हेल्प इन द पैरामीथियम इज, तो यहाँ पर कंजुगेशन क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि कंजुगेशन किस में सहायता करता है पैरामीथियम की, तो यहाँ पर होगा रिजुबेशन यह भी है, हिडिडिटी वेरिएशन ये भी है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नवीकरण ये भी आलदा वो यहाँ पर सारे काम होते हैं कंजुगेशन इन द पैरामीथियम की कंजुगेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर टू हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पर कौन सा केवल जो है जिम्नोस्पर्म जो है अवशेषी है अवशेष हैं, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो है कौन से अवशेषी जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा साइकेडोफेलेकेसिस, तो यहाँ पर 22 का होगा साइकेडो
फिलिकेल्ज, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा जो अबसेसी अंग है जिम्नोस्पर्म का। अबसेसी जो है केवल एक ही अबसेसी जो जिम्नोस्पर्म है वो है साइकाइडो फिलिकेज। ऑल द मेम्बर ऑफ साइकाइडो फिलिकेट आर द फॉसिल एंड कॉमनली नोन एज़ द सीट फर्न। तो इसका नाम है जैसे कॉमन जो हम सीट फर्न से नाम से जानते हैं बीज वाला फर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल्स स्टोर द रिजर्व फूड इन द स्पंज। तो यहाँ पर बता रहा है किस प्रकार का जो स्पंज है जो भोजन को स्पर्म स्टोर करता है। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा थीकोसाइड स्पर्म जो है स्पंज जो है जो भोजन को रिजर्व करता है मतलब भंडारण करता है इकट्ठा करता है। द थीकोसाइड विद द रिजर्व फूड ग्रैनुलर थीकोसाइड सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपमेंट सेल कोनोसाइट दे कंटेन वाटर करंट एंड डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आइए द वैस्कुलेचर ऑफ द इकोसिस्टम प्रेसियसली प्रेजेंट रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जो वैस्कुलेचर सिस्टम है जो इकोसिस्टम का वह प्रेसियसली प्रेजेंट विशेष रूप से क्या प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर होगा एक्टोफोलिक सिफनोस्टील, एक्टोफोलिक सिफनोस्टील दूसरा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है विच साइंटिस्ट कॉइनेड द टर्म क्रोमोस्पर्म। तो क्रोमोस्पर्म नाम किसने दिया यहाँ पर तीसरा होगा बाल्डेयर ने क्रोमोसोम को नाम दिया गुणसूत्रों को जैसे सेक्स डिटरमाइनर की कहते हैं। सेक्स ऑर्गन आर द मोटिल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर अबसेंट। तो इसमें जो है चलिए जो है सेक्स ऑर्गन किसमें नहीं होता है किसके रिप्रोडक्शन जनन में नहीं पाए जाते हैं मोटिल सेक्स ऑर्गन जनन अंग। तो यहाँ पर होगा तीसरा कोनो साइनोफिएसी, साइनोफिएसी फैमिली में पाए जाते हैं अमोटिल उत्पादक अंग जो हैं रिपोर्टर मतलब सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मोटिल रिप्रेजेंट द बॉडी अब्सेंट इन द कोनोफिएसी प्रेजेंट इन द ऑल ग्राउंड ऑफ एलगी। तो यहाँ पर एलगी है जो इसमें एलगी कौन सी है साइनोफिएसी फैमिली की है इसमें नहीं पाए जाते हैं मतलब चलिए सेक्स ऑर्गन जनन अंग। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासोफर एंड एम्फिड्स, एम्फिड्स तो यहाँ पर होता है किसके द्वारा है तो यहाँ पर दूसरा होगा पैरोमेटोबोलस, पैरोमेटोबोलस के द्वारा होता है विकास। इन द इनकम्प्लीट मोरफोसिस हेमिनोबोलस डेवलपमेंट फाइल मैफिलीज ड्रैंगोफिलाइज एंड ग्रेट मेटाफोसिस होलोमेटाबोलाउस ग्रासोपर अफिड्स होलोमेटाबोलाउस हाउस फ्लाई मस्कीटो बटरफ्लाई एम्बिटोबोलस सिल्वर फिश आदि में ये सारे तरीका का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर होएगा चौथा द प्लाज्मिड इम्पार्ट ड्रग द रेसिस्टेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड में जब एंटीबायोटिक जब बनाते हैं किसी के एंटीबायोटिक बनाते हैं कोई जंतु के बारे में तो यहाँ पर प्लाज्मिड का यूज करते हैं उसके जीन स्थानांतरण करके। तो यहाँ पर इसे कहते हैं आर फैक्टर चौथा। प्लाज्मिड यह फैक्टर फर्टिलिटी कोफैक्टर कोलीफेज यहाँ पर ये फर्टिलिटी है कॉल फैक्टर कोलीफेज फैक्टर ट्राई प्लाज्मिड ट्यूमर इंक्लूडेड आर फैक्टर ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड। तो ये इस तरीके के जो हैं ट्रांसजेनिक उत्पाद होते हैं एंटीबायोटिक। द हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन एसोसिएट विथ तो ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है किससे किसके मतलब असर करता है तो ये होगा तीसरा कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स एंड रिक्रेशन। तो यहाँ पर ये गर्भाशय को सकुड़ता है और दूध उत्पादन करने का काम करता है ऑक्सीटॉक्सिन इसे हम। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा इन विद द फॉलोइंग मार्जिनल प्लेटेशन फाउंड। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है पाया जाता है फेबिएसी में किनारी मतलब जो बच्चा दानी बनती है उसे प्लेटेशन कहते हैं।
तो यहाँ पर जिसमें बच्चा पलता है तो उसे फैबेसी फैमिली में मार्जिन प्लांटेशन होता है, मतलब किनारे का, किनारे तरफ का जो है उसे मार्जिन प्लांटेशन कहते हैं, ऐसा किनारे का। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है मार्जिन प्लांटेशन फैबेसी में, बेसी ब्रेसी कैसी में, यहाँ पर जो सरसों का है मालवेसी में होता है एक्जिल प्लांटेशन, परेंटियल प्लांटेशन होता है ब्रेसी कैसी, तो यहाँ पर मतलब पेरियंत वाला जो किनारे पर होता है, और मालवेसी में एक्जिल होता है, कुकरबिटेसी में पेरेंटियल होता है, ब्रासी कैसी में होता है, ये तो प्लांटेशन के प्रकार हैं। तो फैबेसी में मार्जिन प्लांटेशन, बॉटनी में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी के भी, तो चारों के यहाँ पर तीनों के लिखे कुकरबिटेसी। नेक्स्ट ग्रेवल डिसीज ड्यू टू प्रॉब्लम इन बिच, तो ग्रेवल डिसीज किसके मतलब किस ग्रंथि के कारण होती है ग्रेवल डिसीज, तो यहाँ पर पहला होगा थायराइड ग्लैंड, घोंघा रोग होता है थायराइड ग्लैंड जो है, ग्रेवल डिसीज होता है थायराइड ग्लैंड में, जो घेंगे इतनी फूल जाती है, हाइपर सेक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, क्रेव डिसीज आर ऑक्सोफॉक्स एलिमिक गोइटर, यहाँ पर घोंघा रोग होता है जिसके जो जो है हाइपर मतलब बहुत कम, हाइपर मतलब बहुत कम इत्रावण, और हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा, तो हाइपोथायरॉइडिज्म, क्रिएटिनिज्म, मैक्सिडिमा, सिंपल गोइटर आदि जो बीमारियाँ होती हैं ग्रेवल डिसीज ये कहते हैं, थायराइड की ग्लैंड में होता है ये डिसीज। नेक्स्ट ये मल्टी न्यूक्लियर सेल इज कॉल्ड, तो यहाँ पर बहुगुणित बहु न्यूक्लियर मतलब बहुकेंद्रीय जो सेल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौथा सोनोकोटिक, सिनोकोटिक चौथा। बाउचरिया आज ये स्प्रेंगली ब्रांचड सिनोकोटिक मल्टी न्यूक्लियर एंड मल्टीफ्लेजल नेचुरल, तो बाउचरिया में ये प्रकृति पाई जाती है। एक्रोमेगली इज द काज ड्यू टू द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ, तो एक्रोक्रेमेली ये बहुरूपता है, कुरूपता है किसके कारण होती है, किसकी अधिकता के कारण, किसके अधिक उत्पन्न के कारण होती है, तो यहाँ पर होगा तीसरा ग्रोथ हार्मोन, तो यहाँ अधिकाय जो होती है अधिकाय मतलब भीम काय जिसे कहते हैं, एग्रोक्रोमेली मतलब बहुत बढ़ता चला जाता आदमी बहुत बढ़ जाता है एक सीमा से ज़्यादा, तो उसे कहते हैं एग्रोक्रोमी जे ग्रोथ हार्मोन की अधिक उत्पादन। इट इज कार्ड बाय द एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडल्ट साइज इज द रीच, इट इज कैरेक्टराइज बाय द डिस्प्रोटोनेट इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन एंड फेस हैंड एंड फीट, यानी सारी जो साइज है वह हड्डियों का साइज बढ़ जाता है, फेस का साइज और हाथ पैर का भी, सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो अधिक बढ़ जाती हैं, तो इसे एक्रोमेलिया भीम काय कहते हैं। सिंस देयर इज ओनली 0.03% ऑफ द CO2 इन द एयर, ग्रीन प्लांट यूज द 20% ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ईच ईयर, देयर विल बी डेंजर स्कार्टी ऑफ आधी मात्रा होती है आफ्टर CO2, मतलब इतनी परसेंट जो है पेड़ भी इसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व करते हैं, इसके बावजूद भी ये 20% इसका पेड़ पौधे इसको ऑब्जर्व करके अपना खाना बनाते हैं, इसके बावजूद भी जो है कार्बन डाई की मतलब ख़तरनाक है, तो यहाँ पर क्यों है ख़तरनाक, तो यहाँ पर होगा कितने दी कितनी सालों में ख़तरनाक बन सकती है कार्बन डाई की इतनी मात्रा इतने यूज करने के बाद पेड़ों के, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा नो डेंजर एट ऑल, अगर इतनी यूज होती रहे तो कहीं पर नहीं होगा। इट इज़ द मोस्ट अबुडेंट ग्रीन हाउस गैस एटमोसफेयर, लेवल ऑफ द CO2 इन द एटमोसफेयर हैज इंक्रीज फ्राम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ 280 PPM अबाउट द 68 PPM इन 2000, सिंस देयर इज ओनली 0.03% कार्बन डाई एयर प्लांट यूज CO2 फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी डेंजर एट द बिकॉज CO2 इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस सिक्रेटर इन द फ्यूसल बर्निंग डीऑर्गेनाइजेट, तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दिखा है कि जो है इतनी परसेंट यूज होती रहे तो यहाँ पर कोई ख़तरनाक नहीं होगा प्लांट के लिए, अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पर डेंजर मतलब हो सकता है खतरा, इसलिए प्लांट आदि से आदि लगाएं तभी जो CO2 मात्रा आदि आदि खर्चो यूज हो जाए, तो यहाँ पर पर्यावरण जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ये तो
इरेथोब्लास्टोसिस फोइटिल्स अकर ड्यू टू फॉलोइंग कम्बिनेशन। तो यहाँ पर इरेथोब्लास्टोसिस फोइटल अकर इन किसमें होती है, इरेथोब्लास्टोसिस मतलब जो है जो ब्लड कैंसर होता है जो, तो वो उसके किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आर एच पॉजिटिव हस्बैंड एंड आर एच माइनस वाइफ, तो इसके मतलब कॉम्बिनेशन के कारण ये होता है पहला। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आर एच ब्लड बी गिवन टू आर एच माइनस पर्सन प्रोड्यूसर एंटी आर एच फैक्टर एंड एज इंटरवल सिमिलिटी द फर्स्ट आर एच फेटल विद आर एच माइनस मदर प्रोडक्ट एंटी आर एच फैक्टर द फर्स्ट बेबी इज द सेफ ड्यू टू लेट डेवलपमेंट ऑफ द एंटी आर एच फैक्टर सेकेंड आर एच बेबी विल बी इधर डाई इज फोइट ड्यू टू डिग्रेसेशन ऑफ द रीड सेल्स थिम्बियोलिस फोइटल, जिसे मतलब रीड सेल्स जो है डिजनरेट होंगी जिसे थ्रम्बियोलोटिस कहते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर पिता आर एच पॉजिटिव हो और माता आर एच नेगेटिव हो तो पहली संतान तो सफल पैदा होगी, वो दूसरी संतान जो है या फिर उसके भ्रूण ही समाप्त हो जाएगा या फिर वो बाद में उसके अंदर जो ब्लड है आरबीसी वो डिजनरेट हो जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा ब्लड की कमी से। तो यहाँ पर जो है थ्रोम्बोब्लास्टिस इसे कहते हैं आर एच फैक्टर पॉजिटिव, फादर पॉजिटिव है और मदर जो है नेगेटिव है, तब ये पोजीशन हो जाती है थ्रोम्बोब्लास्टिस की फोइटस में। नेक्स्ट है बी ईट अरेल ऑफ द लीची बीच मेडअप। तो एरिल हम जो लीची का भाग खाते हैं वो किसका बना होता है, तो बी यहाँ पर तीसरा होगा थर्ड इंटूगमेंट बी आर ईट एरिल ऑफ द लीची बीच मेड ऑफ द थर्ड इंटूगमेंट, तो यहाँ पर तीसरा होगा जो थर्ड इंटूगमेंट का बना होता है लीची का पार्ट जो हम खाते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बर्ग मसल्स फैटिग ड्यूरिंग द मसल फैटिग, तो मैं बता रहा है हम का ज़्यादा काम करने के बाद हमारी जो मसल्स हैं थक मतलब हमारे हाथ पर क्यों थक जाते हैं ड्यूरिंग द मसल्स फैटिग मसल्स का काम करते समय, तो यहाँ पर किसके कारण होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेट, तो जब लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जम जाता है बन जाता है तो यहाँ पर थकान उत्पन्न हो जाती है ज़्यादा समय तक तनाव रहती है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाई गई लैक्टिक एसिड उत्पन्न प्रोबायोटिक लैक्टिक डिहाइड्रेट ये जो है ग्लूकोज है ग्लाइसोसाइड पाइरूवेट होता है, उसके बाद पाइरूवेट को लैक्टिक डिहाइड्रोजनेट द्वारा लैक्टेट में बदल दिया जाता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया होती है जब हम मेहनत करते हैं ज़्यादा तो उसके बाद हमारे हाथ पांव थक जाते हैं। तो जेनेटिक कोड बाय द डिसिफ्रेड बाय द, तो जेनेटिक कोड डिसिफ्रेड किसके द्वारा हुआ था, तो यहाँ पर जेनेटिक कोड हुआ था वाटसन के द्वारा, वो जेनेटिक कोड डिसिफ्रेड तो हुआ था नेरबर्ज द्वारा, पहला नरेनबर्ज जेनेटिक कोड बाय द डिसिफ्रेड बाय द नेरबर्ज 1961 प्रिपेड पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड UUU 5' UU पॉलीपाइरूवेटिक एसिड, यहाँ पर है 7th बार CC और ये है ये कोड जो पाए गए थे 6 बार A है और 6 बार G है। तो ये कोड इसके द्वारा जेनेटिक कोड खोजे गए थे डिसिफ्रेड बाय द नेजरबर्ज ने पहली बार जेनेटिक कोड खोजे थे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्यूलोकोकस प्लांट प्लेनुइट मोनिएट सॉर्ड, तो यहाँ पर ये ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट ड्यूलोकोकस प्लेनुइट पर मोनिएट किया था सॉर्ड, तो क्या प्रदर्शित किया उसने, तो यहाँ पर दूसरा होगा कंजुगेशन। यहाँ पर ग्रिफिथ ट्रांसफरेशन एक्सपेरिमेंट 1928 ग्रिफिथ ऑब्जर्व द डोकोकोलोकस पिनोमोली, तो यहाँ पर उन्हें इस पर डोकोकोलोकस पिनोमोली पर एक्सपेरिमेंट किया था जो ट्रांजक्शन 1952 जेंडर एंड द लेवर्ज ने इसका ट्रांजक्शन किया, कंजुगेशन 1944 लीडरबर्ज एंड एटम ने किया था। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी क्वांट ऑफ द 6C39H74O6 इज द, तो यहाँ पर ये इसका क्वाड्रेंट है, जब हम ये क्वाड्रेंट निकालेंगे
इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर 0.775 आएगा प्रोटीन का है। प्रोटीन का नहीं है क्योंकि प्रोटीन में फास्फेट नाइट्रोजन होता है। प्लेसमेंट यूज द वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता के लिए किसके कारण जो है प्लेसमेंट यूज होता है जो एक वेक्टर की तरह जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। जैसे एंटीबायोटिक जो भी हम बैक्टीरिया उत्पन्न करें उसमें एंटीबायोटिक गुण जो उत्पन्न करें प्लेसमेंट द्वारा, तो यहाँ पर किसका होना ज़रूरी है तो यहाँ पर प्लेसमेंट का किसका होना चाहिए प्लाज्मिड बैक्टीरिया का। तो प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया दैट रिक्वायर द प्लाज्मिड डीएनए एन द फॉर्जन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो एंटी एजेंट है उसके विरुद्ध एक हमें डीएनए की जरूरत होती है तो रिप्लिकेशन के लिए होगा। यहाँ पर दूसरे पर ओरिजिनल ऑफ रिप्लिकेशन होना ज़रूरी है, उसमें मतलब उसमें रिप्लिकेशन होना ज़रूरी है उसके जो विदेशी मतलब जो एजेंट है एंटी एजेंट जो दूसरा डीएनए डालेंगे जिसके जीन्स, तो उसमें रिप्लिकेशन होना ज़रूरी है तभी तो एंटीबायोटिक उसमें गुण उत्पन्न होंगे। इन द प्लाज्मा इन द बैक्टीरिया दैट रिक्वायर द प्लाज्मिड डीएनए द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इसमें सब जरूरी है एंटीबायोटिक गुण प्रदर्शित करने के लिए। जेमिनोस्पर्म आर द नेकेड सीडेड बिकॉज दे आर लैक जो किसी कमी के कारण नंगी आँखी से नहीं देखे जा सकते हैं। नंग नागन बीज होते हैं या पर यह है तीसरा ओवरी जो हैं देखे जा सकते हैं मगर नंगे बीज होते हैं किनकी मतलब है कि किनकी कमी के कारण तो ओवरी की कमी के कारण जिम्नोस्पर्म के नंगे बीज होते हैं जैसे कि संतरा है सेब है आदि जिम्नोस्पर्म है नींबू है। लैक ऑफ ओवर बाल बे आर द डूज एंजियोस्पर्म रिमेन द इनक्लोज विद द ओवरी बाल जो केवल ओवरी से ढके होते हैं और इसमें कोई सीट कोट नहीं होता। साइज क्वार्ट इज रिलेटेड टू तो साइज क्वार्ट के टू यहाँ रिलेटेड ऑल द अबव स्टेट ऑफ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू मींस ऑल द अबव यहाँ पर सभी के लिए। इट्टोरेज लीव बेयर फाउंड तो यहाँ पर इट्टोरेज लीव कहाँ लीव किस में मतलब किस पत्ती में संरक्षण पाया जाता है किसकी में भोजन भंडार होता है किसकी पत्ती में भोजन भंडार पाया जाता है तो यहाँ पर ट्रापा में ये पाया जाता है। जो ट्रापा है एलियम लहसुन इलियम सीपा इट्टोरेज लीव द फूड। हाउ मैनी सोमाइट्स आर देयर इन द 33 हर्स ऑफ ओल्ड चीक इम्ब्रियो तो जो कितने मतलब सोमेटिस बनते हैं 33 घंटे मतलब पुराने जो चीक डेवलपमेंट होता है जो चूजे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें कितने घंटे में सोमाइट कितने बन जाते हैं घंटे में तो यहाँ पर होंगे 33 घंटे में 10 सोमाइट बन जाते हैं। तो पार्ट ऑफ फ्लोवर क्रोकस दैट याइल्ड सफेरन तो इस किस पार्ट से जो है सफेरन केसर उत्पन्न हुआ जाता है किया जाता है। पार्ट ऑफ द फ्लोवर क्रोकस दैट याइल्ड सफेरन तो सफेरन मतलब जो केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है किसके फूल के किस भाग से तो यहाँ पर चौथा होगा स्टाइल और स्टिग्मा से जो है प्राप्त किया जाता है केसर। इसकी फैमिली है कोकस फैमिली द इरिडेसी कोकस सैटिवस ड्राइड स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है इसे सफेरन मतलब केसर होता है स्टिग्मा और स्टाइल। लूज ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन विद यूरिन इज क्नाउ तो यहाँ पर जो है लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा और प्रोटीन की जो है पेशाब के द्वारा मतलब क्षति हो तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं कीटोन्यूरिया। जब प्लाज्मा और प्रोटीन की पेशाब द्वारा जब निकले तो कीटोन्यूरिया कहते हैं। लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन के नाम होते हैं कीटोन्यूरिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस के होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है तो फोटोसिंथेसिस में होता है एटीपी फॉर्मेड एटीपी बनती है। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड यूरेट्स वर्ड ही हेल्पफुल तो यहाँ पर जो उत्सर्जन होता है यूरिक एसिड पक्षियों में तो वो किसकी सहायता करता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फॉर्म में जो यूरेट्स होते हैं वर्ड
यूरेट जो होते हैं तो उसे मतलब जो यूरिक एसिड उत्पन्न करते हैं ऑक्सीजन में उसे यूरेट कहते हैं। तो यूरेट बर्ड जो हेल्प किसमें सहायता करते हैं, कंजर्विंग ऑफ द वाटर, दूसरा होगा पानी भी की जो पानी जो है उसकी बॉडी में आपूर्ति के लिए उसे पानी बचाने के लिए यूरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ है मानव में और जंतुओं में जो हैं वाटर के माध्यम से उत्सर्जन पदार्थ बाहर निकलते हैं, और पक्षियों में यूरिक एसिड के माध्यम से क्योंकि पानी की वहाँ पर बचत की जा सके। जो टेरिटियल रिपर्टाइल्स हैं उसमें भी यूरिक एसिड होता है, जैसे बर्ड है इंसेक्ट हैं एक्सक्रिएट यूरिक एसिड बिकॉज दे कंजर्व द वाटर इन बॉडी। द जूलॉजिकल एज ऑफ द रॉक इन द डिटरमाइन, तो जहाँ पर जो चट्टान की जो है हम प्राकृतिक कितनी पुरानी है किससे नापे जाएंगे, तो हम नापे जाएंगे फॉसिल फ्लोरा फौना के उसके मतलब जीवाश्म द्वारा। पहला जीवाश्म या मतलब पेड़ का है या जंतुओं का है, इसकी प्राकृतिक जानने के लिए हम क्या करेंगे इसकी फॉसिल की जांच करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इंक्रीज द वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो आयतन बढ़ाने के लिए हम आयन किस मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा दूसरा होगा यहाँ पर ए बी ए डी ए सी बी डी, ए सी बी डी जो है पहला होगा ए फिर सी होगा, पहला ए होगा फिर सी होगा फिर बी होगा फिर डी आएगा। यहाँ पर एक नंबर फिर दो नंबर फिर तीन नंबर फिर चार नंबर, तो यहाँ पर होगा दूसरा सही होगा। टंडल वॉल्यूम 500 ml, रेसिनिन वॉल्यूम 1500, तो ये जो है द प्लांट ऑफ द रेनिया ग्रो इन द एरिया वेयर बाई पोरस ऑफ द फॉलोइंग बेयर प्रेजेंट, तो यहाँ पर रेनिया जो रानिया ग्रीव इन एरिया वेयर वेपोर ऑफ द फॉलोइंग किनकी प्रेजेंट में जो है जो बाथरूम उत्पन्न करती है रानिया, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है एकदम रानिया जो बढ़ती है तेज़ी से वेपोरस ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट सल्फर, सल्फर की जो सहायता से रानिया तेज़ी से ग्रो करती है। एरिया बेहर मतलब रानिया जहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर सल्फर की मात्रा अधिक हो, सल्फर मतलब फड़ान हो ज़्यादा सल्फर का, उस जगह पर रानियाँ उत्पन्न होती हैं। द प्लांट ऑफ रानियाँ ग्रो इन द एरिया वेयर द वेपोर ऑफ सल्फर, सल्फर की वाष्प ज़्यादा हो वहाँ सड़न ज़्यादा हो यहाँ पर, तो एसिड अवेलेबल द एविडेंस सजेस्ट दे आर ग्रो नियर बालकोनस हैबिट्स सरचेज एसिड वाटर फ्रॉम द नॉट स्प्राइंग, तो यहाँ पर ज्वालामुखी जो है नियर था उसके ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकता है मतलब उसके आवाज में सैचुरेट विद द एसिड सैचुरेटेड एसिड के द्वारा फ्रॉम द नॉट स्प्राइंग जो स्प्राइंग के नहीं होता है जो ऋतु नहीं होता है। इन मैन एक्सपायर्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन अबाउट, तो यहाँ पर जो मैन जो हवा छोड़ता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो यहाँ पर होगी लगभग 16% ऑक्सीजन जो हवा बाहर छोड़ता है। कोपेरमम इज बैटरा कोपेरमम इज जो है ब्रेक्टस प्रोमन इज द फ्रेश वाटर एलगी, तो यहाँ पर ये फ्रेश वाटर एलगी है तो यहाँ पर पहली होगी एलगी है फ्रेश वाटर बैटरा कोपेरमम। स्टेरॉयड हार्मोन बैंड, तो यहाँ पर स्टेरॉयड हार्मोन किसको मतलब किसमें संयुक्त होता है किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो यहाँ पर स्टेरॉयड हार्मोन जो है रिसेप्टर प्रेजेंट ऑफ द मेम्बर, तो ग्राही झिल्ली के द्वारा ग्राही झिल्ली से मतलब जुड़ा होता है ग्राही झिल्ली से उत्पन्न। स्टेरॉयड हार्मोन रिप्रेजेंट द प्रेजेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, व्हेन ए स्टेरॉयड हार्मोन इंटर ए सेल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। लाइसोसोम हैव हाई कंटेंट, तो लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है डीएनए लाइगेज। लाइसोसोम जो है एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, तो लाइसोसोम जो हाई कंटेंट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 40 टाइप्स ऑफ द एसिड हाइड्रोलेज न्यूक्लियज प्रोटीलेज एंड लाइप्रेज, यहाँ पर ये एंजाइम तोड़ने वाले न्यूक्लियस तोड़ने वाले जो लाइसोसोम 40 तरीका के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, जो पोषिका के
सड़न होने के बाद इसे उसे डाइजेट करता है, उसे रिपेयर करता है, उसे हटाता है वहाँ पर। एक तरह से इसे बास्ट वैस्कुलेशन भी कहते हैं, इसे एक तरह के सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। या सिरेंज इज द करेक्टर ऑफ द वर्ड, सिरेनिक्स इज द करेक्टर ऑफ द वर्ड बट नॉट फाउंड इन द वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो सिरेनिक्स एकदम लक्षण होता है जो साउंड उत्पन्न करता है। तो इसमें किस में बता रहा है, कौन से पक्षी में नहीं पाया जाता है ये? तो ये चौथे में ना बता, स्टोरथियो, स्टोरथियो में नहीं पाया जाता है सिरेन, मतलब स्वर यंत्र। नेम ऑफ द ब्रायोफाइट बीच द स्पोरोफाइट इज द इंटरमीडिएट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट और इनमें क्या अंतर है, मतलब किसकी इंटरमीडिएट, मतलब इसमें क्या अंतर है किसमें ग्रोथ में, इंटरमीडिएट स्टेज इसमें किसकी पाई जाती है? झुर्रियेदार मतलब ग्रोथ जो है झिलमिलाली, मतलब इंटरमीडिएट मतलब जो है सब कम ग्रोथ किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर तीसरे में पाई जाती है एंथ्रोसेरस, टर्मिनेट ग्रोथ इन पाई जाती है एंथ्रोसेरस। सेप्रोफाइट एंथ्रोसेरस इज द इंटरमीडिएट ग्रोथ। वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट द रिप्टेलिया एफिनिटी ऑफ द प्रोथीरिया। तो यहाँ पर जो है वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट द रिप्टेलिया एफिनिटी टू प्रोथीरिया। तो यहाँ पर रेप्टेलिया के जो वो हैं लक्षण वो प्रोथीरिया से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं भिन्न, मतलब अफिनिटी है उसे किस तरीका से उसमें मतलब अफिनिटी होता है समानता। तो यहाँ पर तीसरा होगा प्रेजेंस ऑफ कोयका, कोयला कोयका की उपस्थिति में ये जो हैं जुड़े होते हैं रेप्टेलिया अफिनिटी ऑफ द प्रोथीरिया प्रेजेंस ऑफ कोयला। सम फ्लावर ओपन द डूरिंग डे एंड क्लोज एट द नाइट इज किनावज। कुछ फूल हैं जो मतलब दिन में खुलते हैं रात में बंद हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी जैसे एक वो होता है जैसे वो होता है पिपीसा मोडिका यानी छुई मुई उसी की तरह। किडनी यार ओपिस्टोनेफ्रिकिन, तो यहाँ पर ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी जो आए किस में पाई जाती है? तो सार्क में, सार्क जिसे स्कॉलीडॉन कहते हैं, जो सार्क है जो सीलिएसिस लिम्फलेस एम्फीबियन ट्यूबलेस एक्सटेंडेड पोस्टली थ्रू नॉ थ्रू थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सुलेमिक सच किडनी एज द कॉलेड द ओपेथनोनेफ्रिक किडनी। जो सार्क में ओपेथनोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है जो सीलिएस होती है सीलिया के द्वारा, यहाँ पर लिम्फलेस होती है एम्फीबियन है ट्यूबलेस एक्सटेंडेड मतलब पीछे की तरफ होती है लेंथ ऑफ सीलम, तो यहाँ पर सीलम में सच ए किडनी ये कहती है ओपिथो। कौन सी बताई थी यहाँ पर? पहली थी स्कोलियोडॉन में पाई जाती है ओपिथो नेफ्री किडनी। बोटिकल नेम ऑफ द अरू, तो अरू का बोटिकल नेम क्या है? तो यहाँ पर अरू का बोटिकल नेम है अलमंड। यहाँ पर तीसरा होगा प्रिनस प्रेसिका, प्रिनस प्रेसिका बोटिकल नेम है अरू का अलमंड, अलमंड जिसे अलमंड बादाम का नाम। बरन पनुनस एम्बी एमिंग एमिंग डेलस बादाम, बादाम का नाम है पुनस प्रेसिका। नेक्स्ट रीड डाटा बुक आर फॉर्मेड बाई, तो यहाँ पर रीड डाटा बुक जो पाई जाती है, यहाँ पर पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया है बायोलॉजी में, देखो UNCIN, यहाँ पर UN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर नेचुरल। तो यहाँ पर ये है रीड डाटा बुक विलुप्त जंतुओं के लिए, जो रीड जो है बुक जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं उसके लिए INC द्वारा रीड डाटा बुक जारी की जाती है। यहाँ पर पहली बार ये कहाँ से बनाई, 1993 में UN रीड द इज द कैटा अलाउ द टैक्सा एंड द टैक्स फैक्सिन रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन, जो विलुप्त के कगार पे जो पक्षी जंतु होते हैं उनके उनके नाम से ये जारी की जाती है। बैक्टीरियोफेज या मैडअप, तो बैक्टीरियोफेज बना होता है काहे का बना होता है? दूसरा न्यूक्लियो प्रोटीन का। सुपरफिशियल क्लेवेज इन द फाउंड, तो सुपरफिशियल क्लेवेज पाया जाता है चौथे में सेंट्रोलिसत एग में। सुपर लिसियो जो टाइप है डेवलपमेंट का जो विधलन का उसमें पाया जाता है
जो टाइप होता है माइक्रोलिथ वो सेंट्रोलिथिकल एग, जो ये जो एग हैं आर्थ्रोपोड में होते हैं। द सोरोसस इंक्लूड द ग्रुप ऑफ द सोरोसस, क्या है तो यहाँ पर चौथा स्पोरेंजिया, सोरोसस स्पोरेंजिया ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जो है सोरंस को आ जाती है। सोरंस ये किसके ग्रुप है, स्पोरेंजिया के। द प्रिमिटिव स्टिक बिकम द डोमिनेंट इन हैन एज एग, तो मुर्गी के मतलब जो डबल बच्चे मतलब डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव स्टिक मतलब कितने समय में डेवलप हो जाती है, इनकुलेटेड ऑब्जर्व तो यहाँ पर हो जाती है। ग्रोथ ऑफ द प्रोमिनेंट स्ट्रिक फॉर्मेट द मेजोडर्म एंड न्यूरल प्लेट बिकम द प्रोमिनेंट मैन एफ क्यूज 12 से 13 घंटा में, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला 12 से 13, तो यहाँ पर 12। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो सही है उसे सही जो स्टेटमेंट है जो उसे बताएं वाक्यांश। तो यहाँ पर तीसरा होगा बोथ माइक्रोस्फीयर ऑफ द पाइनस आर द बिंजिड माइक्रोस्फीयर ऑफ द साइकेस आर द कोटेड सैप्ड, तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं सही होंगे पहला और दूसरा, तो यहाँ पर ये दोनों सही होंगे, तो यहाँ पर जिसमें दोनों सही होंगे तो दूसरे में। माइक्रोस्कोप द साइकस आर द बोट शेप्ड, तो ये नावकार जो साइकस के वो हैं माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्कोप पाइनस के मतलब जो पंखदार होते हैं, तो दोनों बात सही है। बीच ऑफ द नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, तो यहाँ पर जो मैन का अवशेषी अंग नहीं है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर चौथा नहीं है एपिग्लोटिटिस। किनो स्टेट इज द यूजफुल इन द स्टडी डीलिंग विथ, तो किनो स्टेट इज द यूजफुल इन द स्टडी डीलिंग विथ, तो यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा जेमियोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म। सिंपेट्रिक स्पीसीज आर दोज, तो ये सिंपेट्रिक स्पीसीज ये हैं कौन सी हैं, तो यहाँ पर पहली ये बीच द ओकुपी सेम जियोग्राफिक एरिया पहला। इन फ्रूट ऑफ ट्रापा स्पाइंस आर फॉर मोडिफाइड, तो यहाँ ट्रापा जो वो है ट्रापा के जो फल हैं, तो यहाँ पर स्पाइन जो रूपांतरित हैं क्या हैं रूपांतरित किसका रूप बन किसके जो हैं रूपांतरित रूप हैं, तो ये है दूसरा सेपाल के रूपांतरित रूप है। द कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पोसल आर द इंक्रीज वेरी मच इमेच्योर वाइट ब्लड कॉर्पोलेशन आर रिलीज इन द सर्कुलेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जब ज़्यादा मात्रा बने किसकी कार्पो आरबीसी की वाइट मतलब डब्ल्यूबीसी की जब ज़्यादा मात्रा बने और बढ़ जाए और जो है अमेच्योर जो अपरिपक्व वाइट ब्लड सेल मतलब रिलीज हों मतलब जब अपरिपक्व ज़्यादा वाइट आरबीसी डब्ल्यूबीसी की जब ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए और जो ब्लड सर्कुलेशन में अपरिपक्व सेल की ज़्यादा मतलब मात्रा जो है रिलीज होने लगे, तो इसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे ल्यूकेमिया तीसरे नंबर को। जब आप डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है और जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है सर्कुलेशन उसमें ये रिलीज होने लगती है, तो ल्यूकेमिया बीमारी होती है। द इन्फेक्शन ऑफ द पिनोमिया इन्फ्लामेशन लाइक द अपेंडिक्टिक्स एंड द मेलिकेंट्रिस लाइक द ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, जैसे ब्लड कैसे करते थे वाइट ब्लड सेल्स कॉर्पस वेरी राइज इन द केसेस अक्यूट इन्फेक्शन लाइक निमोनिया इन्फ्लेमेशन लाइक द अपेंडिक्सिटिस एंड द मेलिगेंसिस लाइक द ल्यूकेमिया। ननेंडिडिया फाउंड इन, तो ननेंडिडिया किस में पाया जाता है, दूसरे में पाया जाता है ऑर्गोनियम में। एग रोलिंग बिहेव ऑफ द एंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिक्सड एक्शन पैटर्न एफ ए टी इज द रिलेटेड टू, तो एग रोलिंग बिहेव आफ्टर एंसर इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्सन एक्शन जो किसका मतलब क्या है एफ ए टी, तो यह है पहला क्नोड लॉर्ज, दिस इज रिलेटेड टू क्नोज
एक रोलिंग बिहेवियर ऑफ द आंसर, आंसर इज द एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर जो प्रतिरूप का एक प्रतिक्रिया है तो इसे लेते हैं कोनार्ज लैंज से। केमिकल एंटीबॉडी इज, तो यहाँ पर केमिकल एंटीबॉडीज किस प्रकार होती हैं, तो ये होती हैं दूसरे नंबर की प्रोटीनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस्ड डाइट। तो इनमें से बता रहा कौन सा जो है बैलेंस्ड डाइट से जो तत्व तो बनता है लिपिड। तो यहाँ पर होगा पहला लिनोनिक एसिड जो बैलेंस्ड डाइट खाने से बनता है, पहला लिनोनिक एसिड। द क्वांटिटी ऑफ द टी डिपेंड अपॉन द, तो यहाँ पर जो चाय की मात्रा है, चाय की मतलब गुणवत्ता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो यहाँ पर तीसरा होगा कलर ऑफ लीव्स, जो पत्तियों के कलर पर निर्भर करता है इसकी क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड द कलर ऑफ द ड्राइड एंड कोरेड यंग लीव्स। द कैप्सूल आर द मेड ऑफ जिलेटिन, द कैप्सूल आर मेड ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन बाय द बॉइलिंग विच पार्ट ऑफ द एनिमल। तो जो कैप्सूल है जो जिलेटिन प्राप्त करता है, जिलेटिन जो है कोथरंग बीच पार्ट ऑफ द, तो जिलेटिन जो कैप्सूल है तो किस भाग से बॉइलिंग बीच पार्ट, किस पार्ट को जो है कोथरंग करता है, तो यहाँ पर होगा चौथा ऑल अबव हुप हर्न स्केड, जो है सभी जगह से बॉइलिंग मतलब घुरा हुआ पाया जाता है। क्या कैप्सूल मेड ऑफ द जिलेटिन जो प्राप्त किया जाता है बॉइलिंग पार्ट ऑफ द एनिमल हुप से, मतलब जो बॉयल करके उसे उबाल कर, हॉर्न सींग और त्वचा से और उसके खुर से, ये सभी स्थान से प्राप्त ज्यादा जिलेटिन जो है कैप्सूल जो है बनाया जाता है। जिलेटिन एनिमल के जो इसे अंगों से उबाल कर। अमोंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच है, चौथा अस्टिलेगो बंट डिसीज, ये सही है। इन द इंसेक्ट वेक्टर बुबोनिक प्लेग, तो यहाँ पर प्लेग जो है किसके द्वारा इंसेक्ट वेक्टर, तो ये तो वेक्टर क्या है प्लेग का वाहक, यहाँ पर दूसरा होगा जेनोफाइला। क्लोरोप्लास्ट विद द पाइनेरोइड करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द सेल थैलेस ऑफ, तो यहाँ पर होगा दूसरा एंथोसेरास, ये करेक्टरिस्टिक क्लोरोप्लास्ट्स एंथोसेरास के ये लक्षण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो यहाँ पर चौथा नहीं होगा डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ मतलब जंगलों की कमी और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का बनाना और जंगलों की कटाई, ये सभी जो हैं जो फैक्टर नहीं है वाइल्ड लाइफ संरक्षण, चारों वाइल्ड लाइफ संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड एंड लाइफ, अफॉरेस्टेशन। बीच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द C3 साइकिल, यहाँ पर जो है प्रायः C3 साइकिल में पहली स्टेज होती है रिडक्टिव कार्बोसिलेक्शन, पहला C3 साइकिल में होता है रिडक्टिव कार्बोसिलेशन। व्हाट इज द जेनोबायोटिक, तो जेनोबायोटिक क्या है, यहाँ पर होगा फंजीसाइड एंसीसाइड हर्बिसाइड, ये जेनोबायोटिक जो तीन तरीके की दवाई होती हैं। तो यहाँ पर साइक्लोपथी द सेकेंडरी होस्ट ऑफ नेक्स्ट है, साइक्लोपथ हो गया ये सेकेंडरी होस्ट हो गया इसका गुनिया बार्म, तीसरा यहाँ पर क्रिकेट बैट जो मैच है वो बल्ला जो है ये मेड अप फ्रॉम द प्लांट वुड, तो ये क्रिकेट बैट जो है बल्ला और जो वो बल्ला और क्रिकेट के जो बैट हैं जो दोनों चीज़ें बल्ला और क्रिकेट के तीनों डंडे होते हैं बनाए जाते हैं, तो बता रहा है किस प्लांट के हैं, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा जो प्लांट के बुड ऑफ द पेरी पेरीपुरिया गैस हेलिक्स एंड पेरीपुरिया दूसरा।
पेब्राइन डिसीज अकरिंग, पेब्राइन डिसीज तो होती है, किस में होती है। और यहाँ पर 88 का जो एक्सप्लेनेशन है, बुड द यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एग्जांपल ऑफ बुड कैलेक्स अल्वा एंड सैलेक्स पुरिया इज फुल फॉर द मेकिंग क्रिकेट बैट हॉकी स्टिक एंड प्रिपेयर द बुड ऑफ मॉर्फो अल्वा। तो यहाँ पर 89 का है दूसरा कॉमन डिसीज ऑफ सिल्क वार्म। 88 का दूसरा है सिल्क वार्म के द्वारा ये जो है पेब्राइन डिसीज उत्पन्न होती है। बीज प्लांट इज किनाव द फेम ऑफ द फॉरेस्ट, तो फिलाम फॉरेस्ट फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जो कौन सा जो है जंगल का, तो जंगल का जो पौधा है उसे ज्वाला जंगल कहा जाता है, कौन सा जंगल का ज्वाला पौधा कहलाता है। दूसरा ब्यूटीनिया मोनोस्पर्स, फ्लामेबल जो हाईली फ्लामेबल ज्वनशील जो होता है फॉरेस्ट यूरिनिया जो काले दा बोटिया स्पर्नेमा। द फिशेज बीच स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ द देयर इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू द से फ्रॉम द स्प्रेमिंग कॉलेड। तो एक जो फिश है जो स्पेंड टू मेजर पार्ट ऑफ द देयर फ्रेश वाटर, तो एक फिश है जो फ्रेश वाटर जो मतलब माइग्रेशन करती है मुख्य रूप से, तो उसे स्पेमिंग को क्या कहते हैं, तो स्पेमिंग कहते हैं सेकंड वाला कैटा, जब स्वच्छ वाटरी जो माइग्रेशन होता है तो कैटोग्राव, और जो स्वच्छ से समुद्री जन्मी तो उसे कहते हैं एंड्रोमॉर्फ माइग्रेशन। दो तरीके माइग्रेशन होते हैं, यहाँ पर नीचे जो है एग्लोमेशन किया भी है। बेन क्लियरिंग डिसीज फाउंड इन, तो यहाँ पर लेडी एज फिंगर, बेन क्लियरिंग डिसीज इज द फाउंड इन लेडीज एज स्टर्नेट ग्रोथ ऑफ लीव्स एलोइज एंड द बेन क्लियरिंग लीवीज इन केस ऑफ सेवर इन्फेक्शन क्लोरोसिस इन्वॉल्व देयर बेन एरियज रिजल्टिंग द येलो इंटायर लीव। तो यहाँ पर जो भिंडी की जो सिराएं हैं वहाँ पर पीली हो जाती हैं डिसीज के कारण, तो साफ दिखाई ये देती हैं पीली नसें, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का चौथा 92 का चौथा। DDT हैज बीन बैनड इन मैनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट, तो DDT जो है एक DDT जब तीसरा है हाई डिग्री ऑफ प्रेसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो DDT आर द नॉन बायोलॉजी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इन हाई डिग्री ऑफ प्रेसिस्टेंट एनवायरनमेंट, तो DDT एक ऐसा प्रदूषक है जो मतलब नॉन ग्रेडेबल, तो ये पर्यावरण विरुद्ध ये एक प्रदूषक है, इसीलिए इसे इस पर बैन लगा दिया गया DDT पर, तो एक गौर प्रदूषक है। तो यहाँ पर होगा तीसरा द सेंट्रल स्टरलाइक टिश्यू फाउंड इन द कंटेन कंप्रेस आप ब्रायोफाइट्स, तो यहाँ पर जो सेंट्रल स्टरलाइक टिश्यू फाउंड इन द कंटेन सेंटर कंप्रेस ऑफ ब्रायोफाइट इज, तो यहाँ पर होगा इसका चौथा कैमोमेला 94 का चौथा। मिनीमेटा डिसीज रिजल्ट फ्रॉम द मिनीमेटा डिसीज जो होता है जे इसकी किसके प्रदूषित वाटर में होता है, तो यहाँ पर मिनीमेटा रोग जो है पारा रोग से दूषित हो। रिलीज ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस्ट मर्करी इनटू द वाटर, तो यहाँ पर पारा दूषित जो जल होता है मिनीमेटा रोग होता है, यहाँ पर इन्वायरमेंट ये जो रोग मिनीमेटा ये बायोलॉजी में भी आ गया, ये जो है पर्यावरण में भी आता है। तो यहाँ पर ये नीचे हाईवी मेंटल कम्बिनेशन वाटर काजेद सर्वस हेल्थ प्रॉब्लम मर्कुरी पॉइजनिंग मिनीमेटा डिसीज ड्यू टू द कंसम्पशन ऑफ द फिश कैप्चरिंग फ्रॉम द HED कंटेनर मिनीमेटा बाय द जापान, जापान की जो मछलियाँ खरीदी गई उसमें जो है पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्ट्रक्टिव लिंक बिटवीन द ग्लाइसोलाइसिस एंड द क्रेब साइकिल, तो यहाँ पर निम्न से कौन सा है जो ग्लाइसोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच को जोड़ता है, दोनों को जोड़े रखता है, तो यहाँ पर होगा तीसरा एसिटो को एंजाइम ए।
केमिकल दैट कंट्रीब्यूट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सत्तानवे का है द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर अबोव द अर्थ सरफेस इज, तो यहाँ पर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीसरा। फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर डूरिंग द फोटोसिंथेसिस अकर विद द हेल्प ऑफ द, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पहला पी एस सेकेंड। वैनेडियम इज द सपोज टू बी रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज द, तो वैनेडियम इज द पिगमेंट द रिस्पायरेटरी, यहाँ पर होगा तीसरा हार्जमानिया। वैन द पैसिव गैमेट ऑफ द एक्टोकार्पस इज सपोर्टेड सराउंडेड बाय द सेवरल एक्टिव गैमेट इज द पेनोनिमल कॉलेट, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा कलम फॉर्मेशन। जाइगोट एंड जाइटिनिया आर द एडिशनल प्रोसेस आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट ऑफ द, तो यहाँ पर ये किसकी वो है, तो यहाँ पर स्नेक की। पैरामिलिया लाइकेन बिलोंग टू द किससे करती है, तो संबंध है यहाँ पर चौथा पॉलीओलेट्स लाइकेन। सीलेम फॉर्मेशन इन द कार्डेट तो इज, तो फिल्म यहाँ पर चौथा हो जाएगा प्रिलिमिनेटरी सिलेंट्रिक बट द सेकेंडरी साइजो कोलिक। 104 का हो जाएगा मोट ऑफ द रेट्रेक्टरी ऑफ द फैमिली कार्पोडेसी, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा एंड्रोपोफेरिक एंड गाइनोफिक बेसिक स्टाइल। ड्यूरिंग द रेन ग्राउंड द बीकम सप्लरी ड्यू टू म्यूसिलेज सेक्रेट बाई द, तो यहाँ पर इसका हो जाए कैनोफिलिसेन एल्गी। हैवर सीएजन सिस्टम ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फोन्स, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा 106 का हो जाएगा तीसरा रैबिट। नंबर मॉर्फोटिक फाउंड इन था, तो पिनोनोमेटिक फार्मो मेटाफार्मोन इन द फाउंड इन, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा एक्विबिसेनिया। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मामल कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर इसमें पाया जाएगा है कि यहाँ पर हो जाएगा दूसरा सेरिब्रम। लोडिकुलर आर द पेजेंट इन फैमिली, तो लोडिकुलर किसकी फैमिली पाया जाता है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा पोइसी। टार्सल सल्फर इज फाउंड, तो टार्सल सल्फर जिसमें पाई जाती है, तो यहाँ पर टार्सल सल्फर पाई जाती है पहले मेल एकिडेना। विच ऑफ द फॉलोइंग द यूज द एक्लो अल्कोहलिक पहले सीडोमोनास। बोटिंगल नेम ऑफ द सुपारी, तो सुपारी का बोटिंगल नेम है तीसरा पेपर बिटिल। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन बैक्टीरिया, तो यहाँ पर इसे 113 का हो जाएगा तीसरा क्लेव द मॉडिफाइड डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्यू टू डिटेक्ट ऑफ द एचआईवी, तो यहाँ पर एचआईवी एलिसा के द्वारा डिटेक्ट हो जाएगा एचआईवी पता लगता है। वन ऑफ द फॉलोइंग जीन द एंजाइम हाइपोथेसिस द प्रोबाज प्रोसेस बाई, तो यहाँ का हो जाएगा दूसरा वेंट्रल टेंडनम। Give the order of the enzyme involved the synthesis of the leading strand during the DNA replication and choose the correct answer from the following alternatives, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा टोपोआइपेमरेज हेलिकेज RNA polymerase DNA polymerase and DNA second third, तो यहाँ पर हो जाएगा 116 का तीसरा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लेना पढ़ के। बीच आर द फॉलोइंग टिश्यू परसिस्ट इन द रूट इवन आफ्टर द ईयर सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा पता लगती है पेड़ों की, तो यहाँ पर चौथा होगा जाइलम के द्वारा, जाइलम के रिंग्स। बीच आर द एंजाइम द फॉलोइंग रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, तो यहाँ पर बता रहा है रेट्रोवायरस क्या है लाइक एचआईवी, तो यहाँ पर हो जाएगा 118 का चौथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो एचआईवी वायरस है उसमें रिजेंट ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। द एंजाइम विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द मल्टोज इज, तो वो उसका नाम है जो मल्टोज को स्टार्च में बदल देता है स्टार्च टू मल्टोज, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पहला डाइटेज स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है। विच ऑफ द एंटीबॉडी पासिस क्रॉस द प्लेसेंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा दूसरा आईजीजी जो है प्लेसेंटा को पार कर सकती है, ऐसी एंटीबॉडीज है ये, यहाँ पर ये लिखा भी है यहाँ पर इसके बारे में। द इंडोस्पर्म इन द जाइनोस्पर्म इज, इंडोस्पर्म और जाइनोस्पर्म बीज दोनों क्या हैं? तो यहाँ पर इंडोस्पर्म जाइनोस्पर्म दोनों हैप्लॉइड हैं। एन एनिमल इनटू द बीच फॉर्जन जीन्स हैव बीन इंसर्ट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर कहेंगे ट्रांसजेनिक, दूसरा ट्रांसजेनिक। नेम द साइंटिस्ट टू हैव फर्स्ट द रिपोर्टेड इन द एपोगेमी, तो एपोगेमी किस, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा फेयरलाउ ने। अजेन लोकेटेड बाई क्रोमोसोम एंड द ट्रांसमिट फ्राम द फादर टू सो सन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर इसका 124 का हो जाएगा तीसरा हॉलेंड्रिक जीन। अफ्लेक्टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई, तो अफ्लेक्टॉक्सिन जो दूसरे से फंगस द्वारा प्रोड्यूस होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।